हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, फरमाइश पे, जो आप लोग देखना चाहते हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, आप उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उनके साथ आपकी मुलाकात कैसे होगी, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आप उनको कैसे मिलेंगे, ठीक है। All detail about your future spouse, about all detail about your future marriage, ठीक है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, whatever, जिस ये सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके माइंड में शादी का ऑप्शन है, जो डेफिनेटली शादी के बारे में सोचना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए, ये आपके लाइफ पार्टनर की रीडिंग होगी, ठीक है। कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कब, कैसे, कहाँ आपकी मुलाकात होगी, शादी कैसे होगी, कब होगी, किन हालात में होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपको कैसे पता चलेगा उनकी पर्सनालिटीज़ और क्वालिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, आपने इसको प्रेडिक्शन के तौर पे लेना है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने ये साइन आ जाता है तो इट्स मीन इट्स अ डबल कन्फर्मेशन, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कन्फर्मेशन है कि जिस चीज़ को या जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए वो आपको इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन दिस इज़ फॉर यू। ये जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं कर रही लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो मैसेज हो सकता है हजारों लोग देख रहे हैं, किसी ना किसी के लिए होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दिया करें ताकि पता चले कि आप कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स हो रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में और आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आज यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है, लव ऑरेकल्स कार्ड। आप कार्ड को देख के भी, जिन लोगों को कार्ड को देख के चूज़ करना है वो कार्ड को देख के चूज़ करेंगे, जिन लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को देख के, पाइल नंबर 1 यूनिकॉर्न पाइल है और नंबर 2 इज़ द मून एंड स्टार। तो अगर आप इन चीज़ों को देख के मेडिटेट करके इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। और मैंने यहाँ पे इनिशियल्स भी रखे हैं क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं, कार्ड्स को देख के या ऑब्जेक्ट्स के देख के उनको समझ नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए ये इनिशियल्स मैंने रखे हैं, ठीक है। आपके लिए चॉइस ये है कि आप अपना इनिशियल पिक करेंगे, जो आपका अपना नेम है उसको आप पिक करेंगे, कि उसके लिहाज से फिर आप अपनी पाइल को देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस क्या होगा, कौन होगा और सारी डिटेल उसकी क्या होगी, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने यूनिकॉर्न पाइल चूज़ की है और आपके लेटर्स हैं DJPREKQSFLVWZ, तो यह आपकी रीडिंग होगी कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। वी हैव माई बिलव्ड, तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांसेंडेड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो ये इंसान जो भी है आपके साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, आपके कहीं ना कहीं दुनिया में आप जहाँ पे भी मौजूद हैं आप हमेशा इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आपको हर जगह पे इस इंसान का नाम, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, एवरीथिंग इस इंसान के बारे में जो है दिखाई देगा। इस इंसान को मिलने से पहले, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले, हो सकता है आप इनको ड्रीम में देखें या बिल्कुल, ये बिल्कुल आप, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों ने आइज़ क्लोज की हुई हैं तो शायद आप इनको अभी नहीं जानते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान मौजूद है और आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको सेंस कर सकते हैं, आप इनको मैसेज भेज सकते हैं। आई थिंक जो भी आप इनको मैसेज भेजेंगे वो रिसीव करेंगे दिल से, आपके हमेशा दिल एक दूसरे के साथ या सोल आपकी हमेशा इस इंसान के साथ जुड़ी रहेंगी। शादी के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, आप एक दूसरे की बात समझ लेंगे, ठीक है, इस तरह का कनेक्शन होगा आपका एक दूसरे के साथ। नाउ लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, ये जोडियक साइन हो सकते हैं या उनके बर्थ चार्ट में, याद रखिएगा बर्थ चार्ट में सारे प्लैनेट्स और सारे जोडियक साइन होते हैं, लेकिन ये उनकी मेन पर्सनालिटी हो सकती है। वी हैव अ नॉर्थ नोड डेस्टिनी स्कॉर्पियो द एनिमल द सेवंथ हाउस रिलेटिंग। ओके, एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इस इंसान का जो नॉर्थ नोड है वो स्कॉर्पियो राहु, जिसको हिंदी में राहु बोलते हैं प्लैनेट को, तो राहु इनका स्कॉर्पियो में हो सकता है या राहु इनका सेवंथ हाउस में हो सकता है, ठीक है, या आपका राहु इस इंसान के सेवंथ हाउस में गिरता होगा, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी पक्की है, डेस्टिनी आपको मिलाएगी इस इंसान के साथ, ठीक है, या इस इंसान का सेवंथ, इस इंसान का जो नॉर्थ नोड है वो आपके सेवंथ हाउस में होगा, तो इसका मतलब इस इंसान से मिलना आपका लिखा है किस्मत में ही, ये ऊपर वाले ने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप इनको इस जर्नी पर मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ नोड राहु इस इंसान का स्कॉर्पियो में होगा तो ऑब्वियसली ये इंसान को बहुत बड़ी चेंजेस से जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। रिलेशनशिप इस इंसान के लिए सेवंथ हाउस, आपकी जो शादी होगी वो बहुत बड़ा चेंज होगी इस इंसान के लिए और आपके लिए भी,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो शादी होगी जिस इंसान से होगी और जहाँ पे होगी, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर देगा। आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह मतलब शिफ्ट हो, या आप एक जगह से आउट ऑफ कास्ट हो सकता है, या आउट ऑफ रिलीजन हो सकता है। इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि आई एम सीइंग माउंटेंस, तो इसका मतलब चैलेंजेस आएंगे। शादी ईजी नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप दोनों का लव स्ट्रांग रहेगा और आप एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तो दिस विल बी वेरी स्ट्रांग कनेक्शन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको पहले प्रपोज करें और वो देखते ही आपको समझ जाएं कि यू आर द वाइफ, यू आर द हस्बैंड, तो उनको पता चल जाएगा। ऑलरेडी उनके इंट्यूशन ने उनको बताया होगा कि आप आ रहे हो उनकी लाइफ में और आप मिलोगे। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आपको पता है न्यूमरोलॉजी में स्पिरिचुअल नंबर है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ। सोलमेट वाली वाइब आ रही है ऑलरेडी। ये इंसान लिब्रा भी हो सकता है, स्कॉर्पियो लिब्रा इनके प्लेसमेंट्स में हो सकता है, या इनका राहु लिब्रा या स्कॉर्पियो में हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का स्कॉर्पियो राइजिंग या लिब्रा राइजिंग भी हो सकते हैं, ये आपके लिए एक मैसेज है। या इस इंसान का जो राइजिंग होगा उसमें राहु होगा। बहुत चेंजेस से इंसान ये गुजरेगा अपनी लाइफ में, और आपकी शादी के बाद भी बहुत सारा चेंजेस आएंगे। ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव प्राइवेट हो सकते हैं, काफ़ी मतलब इंटेंस हो सकता है ये इंसान। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी प्राइवेट सीक्रेटिव होंगे, इतना ज़्यादा ओपन खुलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस है और नॉर्थ नोड है, तो इसका मतलब शादी के बाद या आपसे मिलने के बाद जब आप मिलेंगे तो ये इंसान ज़्यादा ओपन होगा। ये अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखाएंगे, आपसे ज़्यादा कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं, आपको अपना सेल्फ दिखाएंगे कि ये मैं हूँ और मुझे एक्सेप्ट करो, और आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। स्नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इंसान स्नेक ईयर में पैदा हुआ हो, चाइनीज़ ज़ोडियक साइन में। स्नेक यहाँ पे टेम्पटेशन की भी बात करता है, तो हो सकता है ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग होंगे, गुड लुकिंग होंगे। हो सकता है इस इंसान के अंदर मैनिपुलेशन की आदत भी होगी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हमेशा ही ऐसे इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जैसे वो किसी को पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं उन्होंने वो किया। लेकिन जब आपके साथ वो आएंगे तो बैलेंस होगा, आप इनको वो चीज़ सिखाओगे कि रिलेशनशिप में कैसे रहना है, बैलेंस में कैसे रहना है। ये इंसान आपके साथ कंप्रोमाइजिंग होगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे मिलने से पहले ये इंसान कंप्रोमाइजिंग थे, लड़की या लड़का जो भी होंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों को कंप्रोमाइज़ करना सिखाएगा, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। अब आगे देखते हैं कि आपकी और मज़ीद इस इंसान की पर्सनालिटी या आपका क्या होगा। मैच्योर वुमेन, यस, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को, आप मैच्योर होंगे। अगर आप वुमेन हैं तो आप ज़्यादा मैच्योर होंगे इस इंसान से, और आपसे मिलने के बाद इस इंसान के अंदर ये मैच्योरिटी आएगी। नंबर 6 हारमोनी बैलेंस की बात करता है, ठीक है। ये इंसान मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, या मेकअप फैशन डिज़ाइनिंग इन चीज़ों में भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। एज गैप ग्रेट फॉर्चून, 26 इस इंसान की एज हो सकती है, या 30+ जो भी है। आप 6, 6, 6, 6, 7, 7 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट, मैंने आपसे कहा आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगी विद द ग्रेट फॉर्चून। आप इस इंसान की लाइफ में सक्सेस, ये इंसान आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा, बैलेंस लेके आएगा, हारमोनी लेके आएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शादी के बाद भी बिजनेस करें एक दूसरे के साथ, या बिजनेस या वर्क के थ्रू, सोशल गैदरिंग्स के थ्रू भी आप एक दूसरे को मिलेंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ चर्च, यस, तो हो सकता है ये इंसान क्रिश्चियन है, या आप क्रिश्चियन होंगे। 36 हो सकता है इंपॉर्टेंट एज। प्रिंसिपल रिलीजन आप दोनों की, मैंने जैसे कहा रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। आप दोनों की रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, कल्चर आपका डिफरेंट हो सकता है, या लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए, या आप इस इंसान के लिए इस शादी के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज़ द ग्रास होपर, ग्रास होपर, ओके। वी ऑल्सो हैव द टोर्नेडो, यस, टोर्नेडो ब्लास्ट स्टॉर्म। वी ऑल्सो हैव द चाइल्ड, यस, यहाँ से चाइल्ड है, मैच्योर वुमेन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। कुछ लोगों के लिए आपका ऑलरेडी बेबी है, आप सिंगल मॉम हो सकते हैं या सिंगल फादर, या आपका इस इंसान के साथ बेबी होगा। यू विल हैव अ किड्स विद दिस पर्सन, ऑब्वियसली आपका इस इंसान के साथ बच्चे होंगे, यू विल हैव अ फैमिली। लेकिन यहाँ पे एज गैप मुझे नजर आ रहा है विद अ चाइल्ड एंड मैच्योर वुमेन। आप इस इंसान को वो मैच्योरिटी सिखाओगे जो इस इंसान ने पहले नहीं सीखी रिलेशनशिप्स में। और टोर्नेडो का मतलब यहाँ पे ये है कि ये शादी मतलब बम बन के आपके ऊपर, आपकी फैमिली पे, या बहुत सारे लोगों पे जो है वो असर करेगी। द एंड, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान, ये इंसान वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, हो सकता है इस इंसान के साथ आपने एंड कर दिया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, या शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें, या हमारी शादी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ रहेंगे,
क्योंकि ये बहुत ही कनेक्शन ऐसा होगा, काफ़ी इंटेंस होगा, स्पिरिचुअल होगा, इंटेंस होगा. नॉर्थ नोड है, डेस्टिनी है आपका इस इंसान से मिलना, इस इंसान के साथ ग्रो करना. क्योंकि डेस्टिनी जो है वो नॉर्थ नोड आपको ये भी सिखाता है कि हमने कहाँ ग्रो होना है, हमने कहाँ चेंज होना है, कहाँ पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर हमने बैलेंस लाना है लाइफ में. और ये अगर वो इंसान ये चीज़ नहीं करेगा ऑब्वियसली तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहलाएंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं. तो ऑब्वियसली ये इंसान सीखेगा इन चीज़ों को. वी ऑल्सो हैव द ग्रास होपर, लीप ऑफ फेथ. मुझे लगता है कि ये इंसान रिस्क लेगा आपके लिए, फेथ ट्रस्ट करते हुए आप पे ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके, शादी का प्रपोजल लेके. इस इंसान का माइंड चेंज हो जाएगा आपको लेके. हो सकता है इस इंसान को पहले परेशानी थी, टेंशन थी कि फैमिली, लोग या कल्चर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि ये इंसान अपना माइंड चेंज करेगा और आपके लिए फ़ाइट करेगा. क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ नोड है, डेस्टिनी है, तो इस इंसान को डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है. अगर इस इंसान की आपके साथ शादी हो रही है तो इसका मतलब आपकी डेस्टिनी चेंज होगी या इस इंसान की, ऑब्वियसली दोनों की चेंज होगी. इट्स नॉट ईजी. 5-8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ मे, अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए. 13 हो सकता है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ है, आपने डेफिनेटली नंबर नोटिस करने हैं, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन होगी. ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव होगा, न्यू पर्सपेक्टिव होगा, बॉय, यंग बॉय. हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा है या यंग दिखते होंगे. ब्रांड न्यू इंसान ये आपकी लाइफ, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू इंसान है, तो आपने इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है. लेकिन चेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ शादी में जो आएंगी या शादी से पहले आएंगी, वो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी. ये इंसान क्रिएटिव भी हो सकता है या क्रिएटिव फील्ड से होगा, आई कैन सी दैट ऑलरेडी. हो सकता है ये इंसान मॉडल है, एक्टर है, डांसर है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, अपना लिए कुछ करते हैं, ठीक है. और आप इनको इनके वर्क के थ्रू ही मिलो, ये भी हो सकता है, क्योंकि सोशल गैदरिंग में ये कहीं ना कहीं आप इनको मिलोगे. इज द पार्ट ऑफ डेस्टिनी बाय द वे. लेकिन अब देख लेते हैं कि आपका नहीं, मैं अब यहाँ पे टैरो हम देखेंगे, टैरो से निकालना ज़रूरी है कि अब टैरो से हम देखेंगे कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. आपको कैसे पता चलेगा दैट ही और शी इज़ द वन, कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस. और अगर आपकी वाइफ है या आप वाइफ के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए, शी विल बी वेरी मैच्योर, वेरी वाइज. आप बहुत कुछ सीखेंगे. हो सकता है ये इंसान काफ़ी डिसिप्लिन है, कल्चर और रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं. आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस होगा डेफिनेटली, यहाँ पे नज़र आ रहा है. चेंजेस आएंगी आप दोनों के दरमियान में. हो सकता है आप बिल्कुल दुनिया डिफरेंट दुनिया से हो, डिफरेंट फील्ड से हो, ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन है आपका, लेकिन डेस्टिनी आपको ऑब्वियसली लेके आएगी. स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. नाउ लेट्स सी आपको कैसे पता चलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनकी क्या पर्सनालिटीज़ होगी या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बारे में. फोर ऑफ कप्स, यस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप उनको नहीं मिले हैं, ठीक है, ज़्यादातर आप लोग इनको नहीं मिले हैं. और जब आप इनको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. फोर ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है लव की या शादी की. आपको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पाली वाली पाइल है जिनको पार्टनरशिप में उनको हस्बैंड या वाइफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा चाहिए जैसा उनको चाहिए. आपको परफेक्ट सोलमेट चाहिए, एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए. आप बोर हो चुके होंगे, ढूंढ ढूंढ के थक चुके होंगे, या इस इंसान का वेट कर करके थक चुके होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा. और एक चीज़ मैंने जैसे कहा, एंड हो चुका है, तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी होगा जिसने आपको हर्ट किया, भाग के गया, या शादी का वादा किया, या लेट से डर से, खौफ से इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप ही नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को लगा कि सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपके लिए. तो ये बहुत इंटेंस था इस इंसान के लिए. हो सकता है इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही होगी, हो सकता है इस इंसान का कल्चर रिलीजन डिफरेंट है, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो इस इंसान को बहुत सारी चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस इंसान ने सोचा चलो छोड़ो, एक लड़की के लिए या एक लड़के के लिए इतना क्या लेना. लेकिन डेस्टिनी आपको, मैंने आपसे फिर कहा, वापस लेके आएगी इस इंसान को, वापस लेके आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ. और अगर आप सिंगल हैं, आप कभी, मैं आपको इन चीज़ों से आप रिलेट नहीं हो रहे, आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में आप बोर हो चुके होंगे. आपको साफ पता होगा कि अब आपको कोई नहीं मिलना, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए ऐसा मिल ही नहीं सकता, बट दिस पर्सन विल कम. क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप सरेंडर कर चुके होंगे. लुक, मैंने आपको क्या बोला, सरेंडर, ख़त्म, फिनिश. कोई उम्मीद नहीं है कि आप शादी होगी या चांस है या कभी भी इस तरह का पार्टनर मिलेगा आपको, ठीक है, आप सरेंडर कर दोगे बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में. होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा. और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तब भी मुझे लगता है आप सरेंडर कर दोगे, और आपको सरेंडर ही करना चाहिए क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है. क्योंकि आप इस इंसान को कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लाइक मैरी मी, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते जब तक उस बंदे की अपनी मर्जी नहीं होगी. और वो इंसान आपको प्रूव करेगा विद द मैच्योरिटी.
या द हर्मेट. तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सिंगल पाइल है, या जैसे मैंने आपसे कहा आप काफ़ी स्ट्रगल से गुजरे होंगे, चैलेंजेस से गुजरे होंगे रिलेशनशिप पे, तो आप उस वक्त डेट नहीं कर रहे होंगे और आपको लगता है कि आप सिंगल ही रहोगे और आपने सरेंडर कर दिया होगा. आप विरगो हो सकते हो, पाइसिस, या आपके पार्टनर अर्थ साइन या वाटर साइन हो सकते हैं. ठीक है, विरगो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और पाइसिस की सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यस, तब आपकी लाइफ में ये जो आपका इंतजार है वो ख़त्म होगा और फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी फोकस होंगे अपने करियर पे या बिजनेस पे. तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तब इस इंसान को लगेगा कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप भी चाहिए, मुझे कंपेनियनशिप भी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे फोर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है, मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग लग रहा है कि आप खुद काफ़ी अपना फोकस आपके करियर पे, बिजनेस पे होगा, स्टेबिलिटी पे होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन जिस चीज़ की कमी होगी वो एक लव की होगी, एक पार्टनर की होगी, एक हस्बैंड की होगी, एक वाइफ की कमी होगी आपके अंदर जब आप इस इंसान को मिलेंगे. ठीक है, आप में से कुछ लोग अपने करियर पे फोकस होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे, अपने आप पे फोकस कर रहे होंगे. ठीक है, और लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लव. तब ये लव आपकी लाइफ में आएगा, तब आपकी शादी होगी, तब ये प्रपोजल आएगा आपकी लाइफ में. कुछ लोगों के लिए ये वही इंसान है जो सेम मैंने आपसे कहा, जिसने आपको इतना इंतज़ार करवाया, आपने गिव अप कर दिया होगा इस इंसान पे, आप छोड़ देंगे, आपको लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है और आपको भागना ही नहीं चाहिए. विद द हर्मिट एनर्जी आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के पीछे, क्योंकि आप किसी को फोर्स कर ही नहीं सकते. जब अगला बंदा रेडी नहीं है, अगला बंदा मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, भागना ही नहीं चाहता आपके लिए, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इन द लव या शादी के लिए. आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको अपने ऊपर फोकस करें, और मुझे लगता है कि आप करेंगे. उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और ये लव लेके आएगा, रिलेशनशिप लेके आएगा, जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगा. और कुछ लोगों के लिए न्यू लव होगा. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा. आप इनको नहीं जानते अभी, आप इनको नहीं मिले, लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो मे बी यू आर फोकस ऑन योर सेल्फ. आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने करियर पे, अपने स्टडी, एजुकेशन, जो भी आप कर रहे हैं. और आप में से कुछ लोग बोर हो चुके होंगे, आपको नहीं लगेगा कि अब लव आएगा, क्योंकि आपने शायद गिव अप कर दिया होगा लव पे, या आपने डेटिंग पे गिव अप कर दिया होगा विद द सेवन ऑफ वांड्स की कोई चांस ही नहीं है. और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको अलाउ नहीं करेगा अपनी लाइफ में. मैंने आपसे कहा ये इंसान करेगा कि नहीं भाई, लड़की और लड़के के लिए इतना मैं इतना हम क्या वो उठाएं फसाद, या इतना हम क्या करें विद द सेवन ऑफ वांड्स. लेकिन ये इंसान फाइट करेगा फिर आपके लिए, क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते. जो लव आपने दिया है, जो केयर आपने दी है, जितना आप उनको समझते हो वो कोई और नहीं समझ सकेगा, इवन उनके अपने कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन में से भी, जो भी वजह थी. ये इंसान वापस आपके लिए आएगा और फाइट करेगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ बहुत 5% से 10% लोगों के लिए वो इंसान है जो आपको इग्नोर करेगा, रिजेक्ट करेगा, आपसे भाग के जाएगा इंटेंसिटी की वजह से, चेंजेस की वजह से, डर के मारे कि ये सब कुछ कैसे होगा. और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है जो आपके लिए फ़ाइट करेगा, और आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया होगा, और आप फिर इस इंसान को आने, मतलब आप अलाउ नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ इंसान कोशिश करेगा आपका दिल जीतने की. अब देख लेते हैं लव कैसा होगा. मैनिफेस्टिंग द वन, यस, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं द वन एंड ओनली. ये इंसान एरीज हो सकता है या वाटर साइन भी. आप डेफिनेटली वन एंड ओनली को मैनिफेस्ट करेंगे. लेट गो ऑफ द पास्ट, येस, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा और न्यू लव को अलाउ करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली. या इस इंसान, ये इंसान सेम वन इंसान वापस आएगा और आपको बोलेगा पास्ट को छोड़ दो, भूल जाओ, मैंने क्या किया, माफ़ी मांगेगा आपसे, गिड़गिड़ाएगा और आपसे, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये इंसान माफ़ी मांग रहा है. लेकिन आपके लिए डिफिकल्टी होगी फिर इस इंसान को ट्रस्ट करने पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान भाग के गया था. लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, ये इंसान आपको गिफ्ट देगा. ठीक है, जिस तरह से ये इंसान आपको गिफ्ट देगा शादी के बाद और शादी से पहले, आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान आपके लिए कितना, मतलब, सीरियस है. फ्रीडम, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप होगा, आप एक दूसरे को फ्रीडम देंगे, आप एक दूसरे को डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे कि ये करो वो करो. हो सकता है आप पेट्स भी अडॉप्ट करें, या इस इंसान के पास पेट्स होंगे. ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी. आफ्टर मैरिज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये इंसान आपको हर तरह का फ्रीडम देगा जो आपको चाहिए, आपके आपकी सपोर्ट करेगा इमोशनली, आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है ये इंसान आपको सपोर्ट करे या फाइनेंशियली आपको हेल्प करे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मनाएगा अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो. डेफिनेटली गिव अप नहीं करेगा आप पे विद द सेवन ऑफ वांड्स वेरी इजीली, क्योंकि हो सकता है इस इंसान से गलती हुई है, वो माफ़ी मांगने आएगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट और हर्ट किया है. और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, मतलब न्यू लव होगा, लेकिन आप गिव अप कर चुके होंगे लव पे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा आपको लव पे, या इश्यूज होंगे पास्ट की वजह से. लेकिन ये वो इंसान है जो आप कोशिश करेगा आपको दोबारा से विन करने की. मतलब आप अपने आप चाहेगा क्या, ये इंसान आपका हार्ट ओपन करेगा, क्योंकि आपका हार्ट क्लोज हो चुका होगा तब ये इंसान आपका हार्ट ओपन करेगा. नाउ लेट्स सी आपकी शादी कब होगी, किस सीजन में या किस
उसमें होगी, समर, समर में शादी के चांसेस हैं या आपके इनके मिलने के चांसेस हैं। अप्रैल में आप मिल सकते हैं या शादी हो सकती है आपकी। स्प्रिंग सीजन भी नज़र आ रहा है, सितंबर ये वाले मंथ में हो सकता है ये पैदा हुए हों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी या आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगा इन द नियरेस्ट फ्यूचर, तो आप हो सकता है इनको मिलें। इंसान हो सकता है चाइनीज़ ज़ोडियक ईयर डॉग में पैदा हुआ हो, वन ईयर इन अ फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ही, शायद आप उनको ऑलरेडी जानते हो। एंड वी आल्सो हैव नवंबर, योर एंजल्स आर प्लानिंग द परफेक्ट मोमेंट, तो हो सकता है कुछ भी मज़ीद टाइम की ज़रूरत है यहाँ मार्च में। इट विल टेक अ वाइल, सूनर देन यू थिंक, कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। स्टॉप ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो कुछ लोगों के लिए आप फ्यूचर पे टाइम पे मत देखें कितना टाइम गुजर रहा है, कितने महीने गुजर रहे हैं, वीक गुजर रहे हैं, क्योंकि जस्ट सरेंडर, डोंट वेट, मूव ऑन। तो कुछ लोगों के लिए आप अगर पास्ट वाले का वेट कर रहे हैं तो डोंट वेट, मूव ऑन, क्योंकि आपके लिए शायद हो सकता है कोई और ही इंसान आ रहा है, किस्मत में कुछ और ही लिखा है, ओके okay? या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे और आपको लगेगा अब कोई चांस नहीं है ऐसे इंसान के साथ, कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, लेकिन तब आपको आके ये इंसान सरप्राइज करेगा। या लव आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप लव का वेट नहीं कर रहे होगे, जब आपको शादी का, मुझे नहीं लगता, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस बहुत होंगे आपकी शादी में, डिफ़िकल्टी होगी, सैटर्न का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेवल है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हो सकता है पाइसिस, सैजिटेरियस, आप कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे शादी में ऑब्स्टिकल होंगे, सैटर्न की वजह से, मर्स की वजह से या जुपिटर की वजह से, राहु भी प्रॉब्लम्स ला सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी शादी में बहुत, या वीनस का कोई इशू होगा आपके बर्थ चार्ट में पर्सनल, जिसकी वजह से शादी में बहुत डिलेज होंगे और ऑब्स्टिकल्स होंगे और चैलेंजेस होगा, लेकिन आपकी शादी लेट होगी क्योंकि यहाँ पे आपका सैटर्न या जुपिटर रिटर्न जब होगा तब आपकी शादी होगी। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, जब सैटर्न पाइसिस या सैजिटेरियस में होगा या कैप्रिकॉन में होगा तब भी हो सकता है आप, या जुपिटर अपने ही प्लैनेट्स पाइसिस सैजिटेरियस में होगा या जुपिटर जब कैप्रिकॉन में होगा तब भी आपके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस हैं, प्लैनेटरीली मैं बात कर रही हूँ, प्लैनेट्स के लिहाज से उस मोमेंट्स में तब आपकी शादी के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने मून एंड स्टार चूज़ किया है और आपके लेटर्स हैं ए बी एच सी जी आई एम एन ओ टी यू एक्स वाई, तो ये रीडिंग होगी आपके लिए। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किससे होगी आपकी शादी। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किया है, वी हैव अ ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, तो आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होगी, और सबका ट्विन फ्लेम नहीं होता है, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन होगा, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक वन सोल टू बॉडीज़, ये इस तरह का कनेक्शन होता है, वन सोल टू बॉडीज़, और डिवाइनली कनेक्शन होगा, ठीक है। मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए बनाए और आप इनके लिए बने हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी फील होगा, हमेशा आप दोनों गाइडेड होगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी, यूनिवर्स आपको हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा, आप हो सकते हैं दिखने में एक जैसे हों, आपकी पर्सनालिटीज एक जैसी होगी, आप दोनों का हार्ट एक जैसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप दोनों में सेम होगा, सेम क्वालिटीज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम अपोजिट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वालिटीज़ हों, लेकिन जो आपकी सोल है, ठीक है, सोल, जिस तरह से आप सोल के लेवल पे फील करते हो वो एक होगा, चाहे आपकी बॉडी ऊपर से कैसी है, दिखने में आप कैसे हो, स्टेटस आपका क्या है, आपका हार्ट कैसा है, लेकिन जो आपकी सोल है, क्योंकि यही ट्विन फ्लेम का जो रियल पर्पज़ है, जो रियल मीनिंग है ट्विन फ्लेम का, आपकी जो सोल है वो एक होती है, बॉडीज़ इन टू, तो इसका मतलब स्प्लिट इन टू बॉडीज़, तो आप जो भी सोल लेवल पे फील करते हो या जिस तरह से आपकी सोल होगी, एग्जैक्टली सेम मिरर आपका ट्विन फ्लेम आपका वैसा होगा, एग्जैक्टली, ये हो ही नहीं सकता कि भाई मैं कहूँ कि जी मेरी सोल बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो किसी को हर्ट ना करूँ, और मेरा ट्विन फ्लेम जो है वो इतना नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, वो तो दूसरों को हर्ट करने में उसको खुशी महसूस होती है, नो सॉरी, ही इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि आपकी सोल एक होगी, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी, अगर आप इतने स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि समटाइम हम लोग अवेकन नहीं होते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम को नहीं पता होता स्पिरिचुअल, उसमें अब्यूजिव भी हो सकता है वो इंसान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस इंसान की सोल, मैं मुझे आप ये बताएं कि एक नार्सिसिस्ट, एक अब्यूजिव से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको हर्ट भी कर रहा है, आपको तकलीफ भी दे रहा है, और उसको खुशी भी हो रही है, उसको पता भी है आपको तकलीफ हो रही है, नो, आपकी सोल एक जैसी होगी। अगर आपको हर्ट करना नहीं अच्छा लगता है, अपने पार्टनर को, किसी को, दूसरे को हर्ट करना, तो आपके पार्टनर को भी नहीं अच्छा लगेगा।
अगर आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते अपने वर्ड से, आप किसी की बदतमीज़ी नहीं करना चाहते, आप किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते, आप किसी को नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, आपका सेम अगर ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में है और आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि जिसके साथ मैं हूँ वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, वो भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा, उसकी सोल वैसी ही होगी। वो नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, कोई किसी को तकलीफ हो। अगर आप शाय हैं वो शाय होगा, अगर आप बोल्ड हैं वो बोल्ड होगा। उसकी सोल उस इंसान की भी सेम, जिस तरह से आपकी कोर है सोल की कि आपको क्या चाहिए क्या अच्छा लगता है, उस इंसान को भी वही चीज़ें ही पसंद होंगी। हाँ, हमारी पर्सनैलिटीज़ में डिसऑर्डर्स हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है कि खाने में कुछ और है, दिखने में हम कैसे हैं, हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, आपका घर का स्टाइल और है, उस इंसान का स्टाइल और है। लेकिन दुनिया में आप कहीं पर भी होंगे, आपका ट्विन फ्लेम जो होगा वो आपको मिरर करेगा, सोल एक जैसी होगी आपकी। ओके, ये हमेशा आपने याद रखना है। नाउ, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली लोग सोलमेट को भी ट्विन फ्लेम बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सोलमेट आपका डिफरेंट हो सकता है आपसे, ठीक है। ये वो इंसान है जिसके साथ कुछ भी हो जाए आप उस इंसान से अलहदा नहीं हो सकते, ये ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। तो आपकी यूनियन ऐसे इंसान के साथ होगी, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। आपको ऑलरेडी शादी से पहले अगर आप इनको नहीं मिले हो, आपको पता है ये इंसान कहीं ना कहीं दुनिया में है। योर सोल विल टेल यू दैट दिस पर्सन इज देयर, कि इस दुनिया में कोई ना कोई है। आपकी सोल उस इंसान को क्राफ्ट करेगी, लॉन्ग करेगी, मिस करेगी, और वहीं उस इंसान के साथ भी हो रहा होगा दैट वेयर इज़ माई पर्सन, कहाँ है मेरा पार्टनर। क्योंकि सोल आपकी हमेशा कनेक्टेड रहेगी इस इंसान के साथ, और ये हमेशा एक गाइडेड रहेंगे आप। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जब आप एक दूसरे को मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि दिस इज़ माई पर्सन, इसका इंतज़ार था मुझे, और उस इंसान को लगेगा कि उनको आपका इंतज़ार था। तो ये इस तरह का कनेक्शन होगा, ठीक है। और जब आप इनको मिलेंगे तो आप दोनों हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि आप दोनों एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। तो आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिचुअल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। कुछ भी हो जाए आपने मिलना ही है, किस्मत में लिखा है ये इंसान आपके, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या होगी, उनकी ओवरऑल ज़ोडियक साइन, प्लैनेट्स आपको याद होना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें सारे प्लैनेट्स और सारे ज़ोडियक साइन होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो आपको जानना ज़रूरी है। 10th हाउस सैटर्न, ओ हियर यू गो जेमिनी, ओके यहाँ पे ओ गॉड, ओ गॉड जेमिनी ट्विंस, बटरफ्लाइज आपको नज़र आ रहा है, उन दोनों ने भी सेम कपड़े पहने हुए हैं। तो ट्विंस ओके, ये हो सकता है इस इंसान के ट्विंस ब्रदर हों, ट्विंस सिस्टर्स हों, या आप दोनों दिखने में एक जैसे होंगे। आप जहाँ पे भी पार्टनर जहाँ पे भी जाएंगे लोग आपको बोलेंगे वाओ यू लुक लाइक सेम, मतलब आपकी पर्सनैलिटीज़ एक जैसी हैं, आप एक जैसा दिखते हो। कुछ लोगों के लिए कल्चर डिफरेंस भी होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक इंसान डार्क स्किन होगा, दूसरा वाइट होगा, आपका कल्चर डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस भी होगा, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, ट्विन फ्लेम में ईजी है ही नहीं। हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस भी हो, क्योंकि आई एम सीइंग 10th हाउस एंड सैटर्न। हो सकता है ये इंसान आपसे मोर पावरफुल हो, इस इंसान का स्टेटस आपसे ज़्यादा हाई होगा। हो सकता है ये इंसान मीडिया में है, हो सकता है ये इंसान पॉपुलर है, सेलिब्रिटी है, स्टार है। आप सेलिब्रिटीज और स्टार्स भी आप मत चले जाइएगा, क्योंकि आजकल लोग वैसे ही सेलिब्रिटीज़ के पीछे पागल हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हो सकता है ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, कम्युनिटी में वेल नाउन है, इस इंसान का नाम है, फेम है, सक्सेस है। ये इंसान सोशल बटरफ्लाई भी हो सकता है विद जेमिनी, जिस तरीके से ये इंसान कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा लोगों से, एवरीबॉडी नोज दिस पर्सन। हो सकता है इस इंसान की आवाज़ बहुत अच्छी है, हो सकता है ये इंसान पब्लिक स्पीकर है, हो सकता है ये इंसान कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, हो सकता है ये इंसान इन्फ्लुएंसर है। कुछ ना कुछ इस इंसान का इंपैक्ट जो है वो सैटर्न ये बात करता है कि काफ़ी सारे लोगों पर होगा विद सैटर्न, क्योंकि सैटर्न इज़ अ ग्रुप, इज़ अ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी। तो ये इंसान का डेफिनेटली इंपैक्ट बहुत सारे लोगों पे होगा, इस इंसान को डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते होंगे। और अगर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबली हम इंटरनेट पे जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे हो सकता है ये इंसान फेमस है, या आप फेमस होंगे, या आप दोनों कहीं ना कहीं वर्क करते होंगे, या शादी के बाद आप करोगे इकट्ठे, सब लोग आपको जानेंगे एज अ कपल, एज अ पार्टनर, आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करोगे कम्युनिटी के लिए, वर्क के लिए, या इवन प्रोफेशनल आपके डिफरेंट होंगे, शायद मिलके आप काम करोगे। हो सकता है आप इनको इनके प्रोफेशन के थ्रू या अपने प्रोफेशन के थ्रू भी मिलो। ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है विद द सैटर्न, या हो सकता है इस इंसान को आपसे मजीद एक्सपीरियंस होगा, मोर एक्सपीरियंस होगा। 10th हाउस यहाँ पे डेफिनेटली कैरियर की बात करता है, ये इंसान बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, इस इंसान का कैरियर सक्सेसफुल होगा। ये इंसान डेफिनेटली ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होंगे, ग्राउंडेड होगा अपनी कैरियर में। इस इंसान का नाम जो है, नाम होगा, यू नो फेम होगा, सक्सेस हो सकती है। हो सकता है ये इंसान नाम में जाने, मतलब फेमस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। दिस विल बी योर हस्बैंड और वाइफ,
फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है ये इंसान बॉस है और आप इसके अंडर वर्क करते हो, ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलर सोशल मीडिया पे हो ये इंसान आपका बॉस हो सकता है और आप वहाँ पे एम्प्लॉई हो उस कंपनी के अंदर ही, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा कनेक्शन होगा जो टैबू होगा, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करने में, हजम करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लेंगे। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव अ टॉयल एंड लेबर, यस यस लुक एट दिस। आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो आप इस इंसान के अंडर वर्क करोगे, या आपने बहुत हार्ड वर्क से, मेहनत से आपको चीज़ मिली होगी और ये इंसान ऑलरेडी लकी होगा, मतलब इस इंसान की चीज़ें बस ऐसे हाथ में आती हैं, लक के साथ मिलती हैं। तो हो सकता है इस इंसान के, ये भी हो सकता है इस इंसान को ये सक्सेस अपने पेरेंट्स से मिली हो, हो सकता है ये इस इंसान के पेरेंट्स सक्सेसफुल रहे हैं, उनका नेम हो सकता है, उनका फेम हो सकता है, कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड, मतलब इस तरह की चीज़ें, और आपने मेहनत करके चीज़ों को पाया है, या ये इंसान मेहनत करके इस पोजीशन पे भी पहुंचा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये इंसान को सैटर्न, अपने विजडम, अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से ये चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, अगर बिजनेस आ रहा है तो ये काफ़ी फेमस बिजनेस पीपल हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, तो इस इंसान की फैमिली से फैमिली ये चीज़ें आ रही हैं, ये भी हो सकता है। नाउ वी हैव अ प्रिविलेज लेडी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए प्रिविलेज होगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस इंसान के आइडियल पार्टनर होगे, तो ऑब्वियसली ये इंसान आपको चूज़ करेगा, या जिस तरह से आप इस इंसान के साथ वर्क करोगे, कम्युनिकेट करोगे, या आप, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर द ट्विन फ्लेम, यू आर द सोलमेट्स, आप दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं तो प्रिविलेज होगा, तो लोग आपको, जब आप इस इंसान के साथ आओगे शादी में या आप इनको मिलोगे, लोग आपको डेफिनेटली लकी देखेंगे, आपको देखेंगे कि आपका प्रिविलेज है, यू आर लकी। और हो सकता है लोग इस वजह से जेलस भी हों, क्योंकि आपकी लक आगे निकल जाएगी, इस इंसान के साथ शादी करने से आपकी लक ऊपर जाएगी, किस्मत आपकी चमक जाएगी। हो सकता है इंसान कैप्रिकॉन है, या इस इंसान के 10th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, स्टेलियम इस इंसान की बर्थ 10th हाउस में हो सकती है, क्योंकि 10th हाउस आपके कैरियर, आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज की बात करता है, तो डेफिनेटली इस इंसान के आने से आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, और इस इंसान आपके इस इंसान की लाइफ में आने से बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की रेपुटेशन कल यू नो कैरियर में भी चेंज आएगा बहुत ज़्यादा। गॉसिप, र्यूमर्स, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ये लोग बात करेंगे, कम्युनिटी बात करेगी, फैमिलीज बात करेंगी। हो सकता है इस इंसान के फादर भी इस रिलेशनशिप के लिए ना माने, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली दिस पर्सन फादर, या फैमिली हो सकती है जो इस चीज़ों को ना माने। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी मज़ीद और चीज़ें देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यस, वी हैव द एरीज, किंग ऑफ फायर, द एम्परर, वाओ, एम्परर, डैडी। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये लड़की है लड़का, लेकिन ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है सैटर्न और एम्परर, आई मीन कम ऑन, ये बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, इवन दो इफ इट्स अ फीमेल, अगर ये लड़की भी है, फीमेल भी है, तो बिजनेस वुमेन हो सकती है, इसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, ख्वाब हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, शी इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अंडर कंट्रोल, तो आपको उसके लेवल पर आना ही पड़ेगा, और यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पे मर्स है, सैटर्न है, आई मीन कम ऑन, 10th हाउस है यहाँ पे, तो इस इंसान के डेफिनेटली ये इंसान बॉस है, बॉस, दिस पर्सन इज़ अ बॉस, आर ऑनर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का ऑनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस इंसान के अंदर, ये इंसान किसी की नहीं सुनता, जिस मतलब एक दफ़ा जो चीज़ कर लिया, जो चीज़ ठान ली, बस चाहिए, इस तरह का ये इंसान होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी डोमिनेंट पर्सन, वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान के अंदर बहुत ये इंसान दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एरीज एनर्जी है। लुक एट दिस, दिस पर्सन विल बी बिजनेस मैन, क्लास, इस इंसान की क्लास होगी, कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो इस इंसान को लगेगा यू आर द वन, ये इंसान आपको चूज़ करेगा, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। नाउ वी हैव अ रोड, क्रॉस रोड, यस, 22, इस इंसान की एज हो सकती है, या आपकी, या 32 जब आप इनको मिलें, क्रॉस रोड्स हो सकता है, जर्नी, यस, मल्टीपल ऑप्शन, चॉइसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास चॉइस होगी, डिसीजन होगा कि क्या करना है। हो सकता है आप इनको किसी रोड ट्रिप पे मिलो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, या आप इस इंसान के साथ किसी रोड ट्रिप पे जाओगे, ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा, आपको भी इंडिपेंडेंट देखेगा कि आप अपनी मर्जी करने वाले हो। नाउ वी हैव अ मास्क, यस, कुछ लोगों के लिए शुरू में ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करेगा, या हो सकता है आपका जो कनेक्शन होगा वो शुरू में हिडन रहेगा, सीक्रेटिव एंड प्राइवेट रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कुछ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जिसकी वजह से आप नहीं रिवील कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है ये एक इंसान शो पुट कर रहा होगा आपके सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे गोल्डन मास्क है,
तो यहाँ पे हो ना, हो सकता है कुछ शुरू में ये इंसान अपनी चीज़ों को रिवील ना करे, या अपनी पावर को रिवील ना करे, अपनी सक्सेस को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को रिवील ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान के पास चॉइस होगी कि आपके पास आना है नहीं आना, शादी करनी या नहीं करनी, डिसीजन लेना है या नहीं लेना। फिर हमारे पास है क्रो 22A, हो सकता है इस इंसान के लेटर ए और क्यू इस इंसान के नेम में हो सकते हैं, 22 22, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा 22 22 2222 इस तरह के नंबर देख रहे होगे। क्रो मेमोरीज, रिमेम्बरिंग, मैजिकल पावर, तो ये कनेक्शन बहुत मैजिकल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा, इस लव को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा, इस रिलेशनशिप को नहीं भूल पाएगा, और आपके लिए एक साइन भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, साइन मिलेगा कि दिस इज़ योर पर्सन, ये आपका पार्टनर है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व करेगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ऑब्जर्वेंट हो सकता है, आपको पहले ऑब्जर्व करेगा, हो सकता है फेक प्रोफाइल से, फेक चीज़ों से आपको देखने की कोशिश करे। इस इंसान को आपके अंदर भी कुछ चीज़ ऐसी नज़र आएगी कि इस इंसान को लगेगा दैट यू आर द बेस्ट पार्टनर, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मिस्ट्री होगा आपके बारे में, या इस इंसान के बारे में काफ़ी मिस्टीरियस, ठीक है, पर्सनालिटी हो सकती है इस इंसान की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको शो ऑफ करेगा शुरू में, टाइम लगेगा दिखाने में अपना ट्रू कलर, ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स। और यहाँ पे है कॉफिन, डेथ एंड लॉस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा होगा, कुछ इस इंसान ने खोया होगा, ये भी हो सकता है इस इंसान को आपको, आप इस इंसान को किसी न किसी इस इंसान के अपने की याद दिलाओगे, कोई ऐसा इंसान जो उनकी दुनिया में इस वक्त नहीं होगा, ठीक है, मतलब केयर करने वाला था इस इंसान की, या कुछ ना कुछ रिजेंबल, प्रिविलेज का मतलब आप कहीं ना कहीं इस इंसान की फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखते होगे, या ऐसे इंसान से जो इस इंसान को आपकी याद दिलाएगा, इट्स अ साइन, इस इंसान को लगेगा यू आर द वन, मतलब ये इंसान यूनिवर्स आपको मिलाएगी, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको करीब लेके आएंगे, आपको साइन देंगे इस इंसान के बारे में, और इस इंसान को आपके बारे में साइन मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आप एक बहुत ही एक्सट्रीम लॉस और डेथ से किसी की गुजरेंगे, बहुत आपकी लाइफ में पेन होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या ये इंसान बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा होगा जब आप इस इंसान की लाइफ में आएंगे। यस, हो सकता है ये इंसान किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है, या आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान के पास डिसीजन होगा, चॉइस होगा कि आपके पास आना है या नहीं आना, आप वो पार्टनर हो उसके लिए या नहीं, आपसे शादी करनी है या नहीं, क्या होगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने बहुत धोखे खाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मास्क है, तो ये डेफिनेटली इंसान आपको ऑब्जर्व करेगा पहले। अब देख लेते हैं और क्या होगा, वी हैव अ रिकेंडल। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, या कोई ऐसा इंसान था जिसको आप पहले ऑलरेडी जानते थे। कॉफिन का मतलब डेथ हो गई, खत्म हो गया रिलेशनशिप, आपको लगा ओवर फिनिश, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्पिरिट सोल पाथ, यस, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, आपको डेफिनेटली स्पिरिट हमेशा कनेक्टेड रखेगा और इस इंसान को आपकी तरफ लेके आएगा। ये इंसान दिखने में बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग होगा अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो शी विल बी वेरी अट्रैक्टिव। यस, आप इस इंसान के साथ हॉलीडे, रोड ट्रिप या किसी उस पर जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, या आप इनको मिलेंगे, शादी के बाद भी आपका हनीमून हॉलीडेज रहेंगी। वी ऑल्सो हैव लाइफ पार्टनर, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, एंड दिस विल बी योर वन एंड ओनली ट्विन फ्लेम सोलमेट। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, इट्स अनब्रेकेबल शादी के बाद भी। लव मैरिज हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लव मैरिज, इट्स अ वेरी रोमांस, इट्स अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्विन फ्लेम्स इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लेकिन ये जर्नी सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं होती है, ये बहुत चेंजेस के बारे में आती है, क्योंकि यहाँ पे डेथ है, आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी से आपको गुजरना पड़ेगा, चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रिगर होंगी बहुत सारी चीज़ें, ईजी नहीं होगा। सैटर्न है, विजडम मिलेगा इसमें, नॉलेज मिलेगी आपको, एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेट और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये शादी होगी या ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। आप देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा दैट ही और शी इज़ द वन, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, आपको कैसे पता चलेगा। नाइन ऑफ कप्स, यस, लुक एट दिस लॉटरी, इट्स लाइक आपको लगेगा कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस इज़ अ लॉटरी, नाइन ऑफ कप्स। आप इस इंसान को उस वक्त मिलोगे जब आप सिंगल होगे, जब आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा, शायद आप किसी चीज़ को अपने आप से फ्री कर रहे हो, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आप इस इंसान को लाइक करोगे, ऑब्वियसली आपको ये इंसान बिल्कुल पसंद आएगा। टेन ऑफ वांड्स, यस, आप किसी चीज़ को रिलीज कर रहे होगे, फ्री कर रहे होगे अपनी लाइफ से, तब आपके ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। आप टॉरस भी हो सकते हो या वाटर साइन। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जब ये इंसान अपने आप को फ्री कर रहा होगा किसी सिचुएशन से भी, आप डेफिनेटली सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स की तरफ।
इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप फाइनेंशियली भी शायद कुछ ना कुछ आप डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे होगे या स्ट्रगल कर रहे होगे, ठीक है, तब ये इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है. यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स. यस, ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे वाटर साइन भी है, ठीक है. यस, आपका वेट खत्म होगा, इंतज़ार. मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान को पहले ख्वाब में देखेंगे, द मून, आपको ड्रीम्स में नजर आएगा ये इंसान, या आपको साइंस मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज रहोगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि दिस इज़ योर पर्सन आर नॉट. आपको लगेगा नो, रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या इस इंसान को ढूंढना, इस इंसान को मिलना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लेकिन बट दिस पर्सन विल कम. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा क्योंकि ये इंसान आपको पहले ऑब्जर्व करेगा. मैंने आपसे पहले भी कहा है, इंसान आपको पहले ऑब्जर्व करेगा, आपको देखेगा. को हो सकता है इस इंसान का, मैंने आपसे कहा, क्योंकि सक्सेस है, पैसा है इस इंसान के पास, स्टेटस है, तो इस इंसान को ये भी डर हो सकता है कि कहीं आप उस इंसान के पैसे के पीछे तो नहीं हो, कहीं आप इस इंसान को यूज़ तो नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इंसान को पहले बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से यूज़ किया है. लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा. लुक एट दिस गाइडेंस, ये आपको यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, आप गाइडेड हो, डिवाइनली गाइडेड, ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आप इस इंसान की तरफ जाओगे, इस इंसान की लाइफ में डिवाइनली गाइडेड, आप हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है, इस इंसान के आने से आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और आपकी जो टेंशन है, जो फाइनेंशियल टेंशन है या वैसे ही इमोशनल टेंशन है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी. दिस पर्सन विल बी वेरी, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हो, तो आपने अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, ठीक है. आपको जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, आपने वो देखना है. किंग ऑफ वांड्स भी है यहाँ पे, लियो हो सकता है इस इंसान का. फायर और अर्थ इस इंसान के बर्थ चार्ट में है, फायर, अर्थ एंड वाटर, नो नॉट वाटर, फायर इस इंसान के बर्थ चार्ट में, फायर, एयर या अर्थ साइन होगा, वाटर नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है वाटर आपके बर्थ चार्ट में होगा क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में वो इमोशंस, वो फीलिंग्स लेके आओगे जो इस इंसान की लाइफ में नहीं है. यू विल बी डिफरेंट. और मैं आपको यहाँ पे अभी बर्ड्स दिखा रही थी, इट्स आल्सो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग, ठीक है. तो ये इंसान काफ़ी मैस्कुलन होगा और आप काफ़ी फेमिनन होंगे और ये चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ लेके आएगी. यस, लुक, ये इंसान बहुत मैस्कुलन होगा, अट्रैक्टिव बहुत होगा ये इंसान, ठीक है, पावरफुल होगा इंसान क्योंकि लायन है, लायन, लायन, वुल्फ, डॉग, इंसान बहुत पावरफुल होगा. मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को किसी की ज़रूरत होगी, बट और जिस इंसान, और ये इंसान हो सकता है जिसको भी चाहे या जिसको भी पाना चाहे पा सकता है, इस तरह की एनर्जी होगी इस इंसान की. लेकिन आपको देख के या आपसे मिलने के बाद इस इंसान की जो लाइफ है वो बहुत इमोशनल हो जाएगी, या आपको देखने के बाद इस इंसान या मिलने के बाद इस इंसान को लगेगा यू आर द वन. कुछ ना कुछ मिस्ट्री आपके बारे में होगी क्योंकि ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, लाइक हु आर यू, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होगा वो इस इंसान को अट्रैक्ट करेगा. मतलब आपकी जो एनर्जी होगी, जो आपका ऑरा होगा, जो आप फ्री स्पिरिटेड भी हो सकते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड मून कार्ड, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ चाहिए. तो आपको यूँ पता चलेगा, ठीक है, इस इंसान के बारे में. नाउ लेट्स सी कि कब आपकी शादी होगी, आप कब मिलोगे इस इंसान से. आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइस भी हो सकती है, फायर, अर्थ या वाटर, एयर साइन में से, तो शायद आपको चॉइस चूज़ करना पड़े. शायद आप चूज़ करोगे पार्टनर को, ये भी हो सकता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द सेम पर्सन. टाइमिंग हैज़ अ सरप्राइज फॉर यू. स्टैंड बैक, यू कुड बी प्रिवेंटिंग द एनर्जी टू फॉल. 3 weeks, समर, सेपरेट, विल नॉट डिस्क्लोज. मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं मिले हो इनको, या आपको नहीं पता यूनियन कब होगी या आपकी शादी कब होगी. इट्स जस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ द टाइम, फॉरएवर. इस ये फॉरएवर भी लग सकता है आपको वेट करने में. जस्ट लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज. सरप्राइज होगा आपके लिए, जो भी होगा सरप्राइज होगा. वैन द स्टार्स अलाइन, यस, मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी में प्रॉब्लम होगी या ऑब्स्टिकल्स होंगे. इट्स नॉट ईजी, या आपकी जर्नी शादी तक बहुत इजी नहीं होगी. व्हेन बर्ड सिंग, सो कुड बी स्प्रिंग, स्प्रिंग हो सकता है. वी हैव अ फास्ट मूव, 4 months, और कुछ लोगों के लिए 7 months में, या जस्ट अ मोमेंट. तो ये सिर्फ इस बंदे पर डिपेंड करता है कि ये इंसान कब हिम्मत करके आपकी तरफ आएगा, एंड देन इट्स विल हैपन लाइक दिस. बहुत जल्दी फास्ट होगा, फिर सूनर देन यू थिंक.
जो, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना कंट्रोल करोगे शादी को, शादी के बारे में या सोच के, उतना ही वो चीज़ें आपके लिए बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। इवन दो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं या नहीं हैं, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का इंतज़ार है, सिंपली आपको फ्यूचर स्पाउस का इंतज़ार है, तब भी सरेंडर, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जितना आप सोचोगे उतना ही वो इंसान आपके आने में देर होगी उस इंसान के। क्योंकि आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।